ओम हनुमते नमः। नमस्कार मित्रों, मैं अविरल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मित्रों, आज बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल की। दिनांक 17/8/2018 से दिनांक 24/8/2018 तक कैसा रहेगा हमारी 12 राशियों का भविष्य, इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं राशिचक्र की प्रथम राशि अर्थात मेघ राशि। इस सप्ताह स्वास्थ्य के ऊपर सचेत रहें, खान पान पर नियंत्रण रखें। आर्थिक मामलों में सप्ताह उत्तम है, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, देव दर्शन की अभिलाषा भी पूर्ण होगी। राजचक्र की द्वितीय राशि अर्थात कर्क राशि, परिवार के दायित्व की पूर्ति होगी, देव दर्शन की अभिलाषा पूर्ण होगी, कोई रुका हुआ कार्य संपन्न होगा, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, कोई सुखद समाचार प्राप्त होगा। मिथुन राशि, इस सप्ताह चल अचल संपत्ति के बढ़ने के योग हैं, पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी, चली आ रही परेशानियों का अंत होगा और आर्थिक स्थिति सुधरेगी। कर्क राशि, जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, धार्मिक यात्रा के योग हैं, आर्थिक प्रगति होगी, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। सिंह राशि, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, स्थान परिवर्तन सकारात्मक रहेगा, शासन सत्ता का सहयोग प्राप्त होगा, आर्थिक प्रगति का कोई नया द्वार खुलेगा। कन्या राशि, चली आ रही समस्याओं का अंत होगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, मन उत्साहित रहेगा और विरोधियों से सावधान रहें। राशिचक्र की सातवीं राशि अर्थात तुला राशि, इस सप्ताह धार्मिक रुझान बढ़ेगा, चली आ रही समस्याओं का अंत होगा, देव दर्शन का सुख प्राप्त होगा, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, कोई सुखद समाचार प्राप्त होगा। राशिचक्र की आठवीं राशि अर्थात वृश्चिक राशि, इस सप्ताह कोई रुका हुआ कार्य संपन्न होगा, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, संतान के संबंध में कोई सुखद समाचार प्राप्त होगा और किसी कार्य के संपन्न होने से आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। नवीं राशि धनुराशि, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, कोई रुका हुआ कार्य संपन्न होगा, आर्थिक प्रगति का कोई नया मार्ग खुलेगा और पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी, विरोधी परास्त होंगे। राजचक्र की दसवीं राशि अर्थात मकर राशि, भू संपत्ति में कोई रुका हुआ कार्य संपन्न होगा, भू संपत्ति में इजाफा होने जा रहा है, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, किसी कार्य के संपन्न होने से आपके प्रभाव तथा वर्चस्व में भी वृद्धि होगी और शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। ग्यारहवीं राशि कुंभ राशि, कार्यस्थल पर सतर्कता रखें, विरोधी परास्त होंगे, नए अनुबंध प्राप्त होंगे, आर्थिक स्थिति सुधरेगी, कोई रुका हुआ कार्य संपन्न होगा, आध्यात्मिक रुझान बढ़ेगा। राशिचक्र की अंतिम राशि बारहवीं राशि अर्थात मीन राशि, पिछले कुछ समय से जारी संघर्ष समाप्त होगा, परिवार के दायित्व की पूर्ति होगी, मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे, जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा और धार्मिक यात्रा के योग हैं। यह था दिनांक 17/8/2018 से दिनांक 24/8/2018 तक सभी राशियों का भविष्य का। सभी मित्रों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले सप्ताह पुनः हम हाजिर होंगे। और मित्रों, अगर हमारे वीडियोज आपको अच्छे लग रहे हैं तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। आपका बहुत बहुत